संख्यांकन पद्धति का मतलब कि संख्या के अंकों को मतलब संख्यांकों को किस पद्धति में लिखा जाता है। हमारे पास दो प्रकार की संख्यांकन पद्धति है जो हम छठी क्लास में अभी पढ़ेंगे, पहली भारतीय संख्यांकन पद्धति, दूसरी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब इन दोनों में अंतर क्या है समझने लायक पहले बात वही है। सबसे पहले मैं भारतीय संख्यांकन पद्धति की बात करूंगा। हमारे पास भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले जो अंक होता है वो होता है इकाई का, इकाई, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, फिर करोड़, वो बढ़ते रहते हैं। यदि मैं लिख देता हूं तो हमें पता है कि जो सबसे लास्ट वाला अंक है मेरे दाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो किसका अंक है, वो है इकाई का, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार। उसके बाद भी यदि कोई अंक आता तो वो किसका होता, दस हजार का होता। उसके आगे कोई और अंक आता तो उसका किसका होता, लाख का। उसके आगे भी यदि मैं यहां पे लेके चलूं 8, 3, 7, 6, 9, 5, अभी मैं सिर्फ संख्या लिख रहा हूं और यही बता रहा हूं, ये अंक इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये दस हजार, ये लाख का अंक है। मतलब इनका स्थानीय मान यहां पे उसी के बराबर है। स्थानीय मान के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अंक जिस स्थान पे रखा जाता है उस स्थान का मान है उसका स्थानीय मान होता है। अब कई बच्चे इन संख्यांकन पद्धति में भी संख्याओं को लिखने में गड़बड़ कर जाते हैं। अब गड़बड़ कर जाते हैं और उनको यदि लिखवाना है तो किस प्रकार से हम लिखा सकते हैं, तो वो एक नियम आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं कि कोई भी यदि हम संख्या लेते हैं 8, 0, 5, 6, 7, 3, इसको शब्दों में लिखो। अब यदि शब्दों में लिखते हैं तो इसके दो तरीके हैं, पहले आसान वाला तरीका और उसके बाद मैं जो हम परंपरागत तरीके आगे अपनाएंगे उसके ऊपर चलूंगा। सबसे पहले तो जो संख्या हमारे पास लिखी है और ये तालिका हम बना लें, तालिका आप दोबारा से देखें, नीचे ध्यान नहीं देना, सिर्फ भारतीय संख्यांकन पद्धति में देना है। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, इकाई का अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर दस हजार, फिर लाख, फिर दस लाख, फिर करोड़, यही अंक आते हैं। तो मैं संख्यांक यहां पे लिख लेता हूं 80, 56, 73। मुझे नहीं पता कि इसको शब्दों में कैसे लिखना है, लेकिन एक एक अंक मुझे पता है कि इकाई का अंक कितना है 3, दहाई का 7, सैकड़े का 6, हजार का 5, दस हजार का 0 और लाख का 8। अब मेरे पास यदि आप यहां देखेंगे लाख के दो कॉलम हैं, हजार के भी दो कॉलम हैं, बाकी सब के एक एक कॉलम है, तो इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, इन दोनों को मिला के। मिलाने का मतलब यह नहीं है कि इनका जोड़ करना है। जो संख्या आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है 0, 5, 5 होता है, 0, 5 हमारे पास 5 है, 8 के आगे कुछ नहीं है तो आगे वाला छोड़ देना है, इसके साथ ही देखना है। तो यहां मेरे पास यदि मैं लूंगा तो लाख कितने हैं 8, तो सीधा लिखूंगा 8 लाख। हजार कितने हैं 5, 5 हजार। और ये तीनों को हम 100 के रूप में लेते हैं, ये 100, ये दहाई, यहां तक 999 तक लगभग सभी बच्चों को पढ़ना आता है या संख्या लिखनी आती है, तो ये कितना हो गया 673, 673। तो ये शब्दों में लिखा गया। अब करना ही है जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं संख्यांकन पद्धति लिखने की, जिनको थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक हो जाती है, वो इस तालिका में ही अंकों को लिखे और तब शब्दों में लिखे तो बेहतर होगा। और देखते हैं हम, एक संख्या मेरे पास ये है
इसको मैं कुछ और कर देता हूं। इकाई की जगह मेरे पास क्या है, छह, दहाई की जगह शून्य, फिर सात, फिर तीन, फिर पांच, फिर शून्य शून्य एक। करोड़ के बाद भी क्यों आता, तो उसके बाद हमारा क्या था, दस करोड़। भारतीय संख्यांकन पद्धति हमेशा दस दस के सिस्टम पे जा रही है, आगे टेन सिस्टम है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम भी यही है, इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद हजार और दस हजार के दो कॉलम है, लाख और दस लाख के दो कॉलम है, करोड़, आगे दस करोड़ भी होता तो उसके भी दो कॉलम हमारे पास होते। अब इसको पढ़ें, करोड़ कितने करोड़ हैं, एक, तो एक करोड़, लाख, लाख के कॉलम है, इसमें क्या है, दोनों शून्य है, तो शून्य का जो अंक है या जो स्थानीय मान है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो शून्य है। उसके बाद हजार कितने हैं, ये दोनों मिला के हजार बनते हैं, तिरपन, तिरपन हजार, और आगे 706। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब इसी संख्या को सीधा लिखने के, सीधा लिखना भी सीखते हैं। हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा के तीन अंक है, तो पीछे से तीन अंक पहले छोड़ दो, एक कोमा लगा दो। उसके बाद हजार के कितने अंक होते हैं, दो, दो अंक हैं, दो अंक छोड़ो, कोमा लगा दो। उसके बाद लाख के दो अंक होते हैं, दो अंक छोड़ो, कोमा लगा दो। आगे किसके बच गए, करोड़ के। यदि यहां भी इतना भी याद रह जाए, ये तीनों अंक छोड़ के, ये हमारे पास हजार है, ये हमारे पास लाख है, और ये हमारे पास करोड़ है, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं कि बिना इसके अंदर लिखे हुए एक लाख, सॉरी बिना इसको देखे हुए कि एक करोड़, लाख है ही नहीं है, शून्य है, तिरपन हजार और 706 वही लिखा जा सकता है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं बिना इसके अंदर लिखे हुए, बिना इसके अंदर लिखे हुए, तीन अंक छोड़ने हैं, कोमा लगाना है, दो अंक छोड़ने हैं, कोमा लगाना है, दो अंक छोड़ने हैं, कोमा लगाना है। अब इकाई दहाई सैकड़ा, ये कितने आ गया, हजार, ये लाख, और लास्ट वाला क्या बच गया, करोड़। अब यहां पे हमारे पास कितने हो गए, आठ करोड़, तीन लाख, छिहत्तर हजार, और आगे सौ नहीं है तो उनसठ, आठ करोड़, तीन लाख, छिहत्तर हजार, उनसठ, ये हमारे पास ये संख्या आ गई। अब जो मेन दिक्कत और इसके अंदर आती है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, वो शब्दों से अंकों में लिखने आती है। हम यदि दे देते हैं कि तीन करोड़ पांच हजार सात, तीन करोड़ पांच हजार सात, अब इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसके लिए फिर आपको इस तालिका का सहारा लेना पड़ेगा। हम करोड़ को एक लेते हैं, लाख का एक लेते, लाख के दो, करोड़ के दो लेते हैं, लाख के दो लेते हैं, हजार के दो लेते हैं, और उसके बाद तीन संख्याएं इकाई दहाई सैकड़ा के लिए छोड़ देते हैं। तो जो जो चीज हमारे पास यहां दिखाई गई है या जो लिखी गई है उसको हम इस तालिका में लिखते रहेंगे। वो कैसे लिखेंगे, देखो, तीन करोड़, करोड़ किसी लिखते हैं, तीन, लाख है, लाख नहीं है तो लाख की जगह शून्य लगा देंगे, पांच हजार, अब हजार दो कॉलम में लिखना है, यदि मैं पांच यहां लिख के यहां जीरो लगाऊंगा तो ये पचास बन जाएगा, तो पांच या एक से नौ तक की संख्याएं हमें आगे जीरो लगा के फिर लिखनी है, समझ आया। लाख करोड़ या हजार की स्थिति में यदि एक से नौ तक की कोई भी अंक आता है तो यदि सात आ जाएगा तो जीरो सात, एक आ जाएगा तो जीरो एक, कुछ नहीं आएगा तो दो जीरो है, और उसके बाद तीन अंक में हमारे पास सात है
और वो सात लास्ट में ही जाएगा, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, शून्य हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये संख्या हमारे पास ये आ गई है कि 3,05,000 और ये 7। अब इसको हम देख सकते हैं कोमा लगा के, यहाँ पे 3 के बाद हमने एक कोमा लगाना है, 2 के बाद एक कोमा लगाना है, 2 के बाद फिर एक कोमा लगाना है, और ये आ गया हमारे पास। यहां से देखें ये हजार के हैं, ये लाख और ये करोड़, तो 3 करोड़ है हमारे पास, लाख है नहीं है तो शून्य आ गया, 5,000 है और लास्ट में कितना है, 7 है। एक बार और इसको लिख के देखते हैं, पंद्रह करोड़ 50 लाख 9,000 332 15 करोड़, करोड़ कितने हैं 15, तो मैंने कहा था करोड़ के बाद भी 10 करोड़ आता है, तो यहां 10 करोड़ का बना ले। अब करोड़ में भी 2 अंक हैं तो 15 है, 2 में आ गया ना 15 है। 50 लाख, लाख में 50 है तो 50 ऐसे लिखा जाएगा, 50 लाख 2 में है ना। 9,000, अब हजार में 9 आया, मैंने कहा था 1 से 9 तक की संख्या में कैसे लिखनी है, 0, 9 ऐसे लिखनी है, और 332। अब हमारे पास संख्या ये हो गई 15,50,09,332। यहां से कोमे लगा के आप देख सकते हैं, 3 के बाद 2 के बाद फिर एक कोमा, 2 के बाद फिर एक कोमा। ये हमारे पास हजार है, ये लाख है, ये करोड़ है, 15,50,09,332। ये है हमारे पास भारतीय संख्यांकन पद्धति, जिसमें हमने अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में लिखना सीख। यही चीज मैं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति पे आता हूं। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, बिल्कुल उसी की तरह हजार, 10,000, यहां तक बिल्कुल बराबर रहते हैं, लेकिन जब भी यहां लाख का ऑप्शन आता है यहां पर हमारे पास 100,000 आ जाता है। उसके बाद फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब यहां जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 2 कॉलम हजार के, 2 कॉलम लाख के और 2 कॉलम करोड़ के, आगे भी इसी प्रकार संख्याएं जब बढ़ती जाएंगी 2-2 कॉलम आएंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमेशा 3 के कॉलम रहेंगे। यहां हमारे पास 3 का सिर्फ एक लास्ट कॉलम था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें सारे 3 के रहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 का कॉलम हो गया। हजार के 3 हो गए, मिलियन के 3 हो गए, आगे बिलियन आएगा उसके 3 होंगे, ट्रिलियन आएगा उसके 3 होंगे, ये इनका अपना तरीका है इसको लिखने का, लेकिन इसमें भी हम लिखना सीखेंगे। अब सबसे पहले तो हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि कितने लाख में कितने हजार होते हैं, वो उसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैंने बिल्कुल एक सीध में ही इनको लिया है, संख्या के साथ इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है ये आपको देखो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ये सीधा दिखाई दे रहा है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। अच्छा, 10 मिलियन में कितने करोड़ आ गए, 1 करोड़। यदि ये पूछा जाए कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, तो यहां मैं आपको बता दूं कि बाई साइड जाते जाते हर कॉलम दाई साइड वाले कॉलम से 10 गुना बड़ा है। ढाई, ढाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, सैकड़े का मतलब 100, हजार का मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 10,000 हो गया, यहां पे क्या हो गया, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, उसके बाद ये आ गया 10 लाख हो गया, उसके बाद करोड़ हो गया। कोमे लगा लगा के लिख लें,
कायदे सैकड़ा एक हो गए, कायदे सैकड़ा एक दस आ गया, ये आ गया हमारे पास लाख, ये 2000 के छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, ये आ गया हमारे पास करोड़, और जब हम 10 करोड़ को लेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। तो हर एक बाई साइड वाला जो हमारे पास अंक है वो दाई साइड वाले अंक से 10 गुना होगा, 10 से कम 10, 10 दाएं 100, 100 दाएं 1000, 1000 दाएं 10000, 10000 दाएं 1 लाख, 1 लाख दाएं, वो 10 गुना ही चलता है। तो हमेशा यदि मैं पूछूं 1 लाख में कितने 10000 होते हैं, तो 10 होते हैं, वो 10 गुना बड़ा है ना 1 लाख से। यदि पूछ ले 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, तो 2 स्टेप कर गया, 10 गुना 10 कितना हो गया 100, 1 लाख में कितने 1000 हो जाएंगे, 100000 हो जाएंगे। यदि ये पूछे कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो 2 स्टेप आगे गया, 10 गुना 10 100, 1 करोड़ में 110 लाख होंगे, सॉरी 100 लाख होंगे, 1 करोड़ में 100 लाख होंगे। यदि पूछा जाए 1 10 लाख में कितने 10000 होते हैं, तो कितने पॉइंट गया, 2 का मतलब 10 गुना 10 100, 1 10 लाख में 110000 होते हैं। या यहां नीचे से कोई पूछा जाए कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, देखो अब आगे गया, अब 1 मिलियन तो यहां पे है, कितने लाख है, 10 लाख है, तो 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 10 लाख होंगे। यहां भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन आता है और आएगा भी, तो आपको देख के ही लिखना पड़ेगा। अब अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात करते हैं, लिखने में हम उसी प्रकार से लेंगे। मान लो हमें दे दिया 3 7 6 0 9 8 7 5 4 को, ज्यादा बड़ा हो गया, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, तो उसी प्रकार हम संख्या के यहां पे लेंगे 23 76 0 987, और इकाई का कितना है 7, यहां 8, यहां 9, आगे 0, फिर 6, फिर 7, फिर 3, फिर 2। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, सारे तीन तीन के कॉलम हैं, ये 1000 का हो गया, ये बिलियन का हो गया, तो तीनों को इकट्ठा लेके करना है, तीनों को इकट्ठा लेके। कैसे, हमारे पास मिलियन कितने मिलियन है, 2 ही है, तो दोनों को मिलाना है, कितने हो गए 23, तो हम कहेंगे 23 मिलियन। 1000 कितने हैं, 1000 में 3 कॉलम है, तो तीनों को मिलाना है, 760, 760 1000, और लास्ट वाले दिन कितने हैं 987, 987। बस इसमें तीन तीन में लेना है, फर्क सिर्फ यही है। चलो और करके देखते हैं, कर एक क्वेश्चन मान लो हम ये लेते हैं, अजीब प्रश्न लिख दिया सर ने, नहीं इसको हम लिख के देखते हैं। पहले हम लिखते हैं पीछे से 5 1, अब 0 0 0 0 0 0, और उसके बाद मैंने ले लिया 3, ये है ना, 0 इतने ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मिलियन इतने हैं, 1000 इतने हैं, और बाकी वाले इतने हैं। मिलियन देखो पहले कितने हैं, पूरे 300 हैं, तो हम लिखेंगे 300 मिलियन। उसके बाद 1000 कितने हैं, 1000 है ही नहीं है, सारे 0 हैं, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास कितना रहा है, 15 है, 15 हमारे पास बस। अब लिखना आसान है, लेकिन ये तालिका आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इस तालिका को पहले कॉपी पे करके और ये संख्याएं लिख के तब प्रश्न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि हम इसको इस रूप में भी लें जो हमने लिखा था, कि तीन तीन का ही हम कॉलम लें, कॉमे भी इनके तीन तीन के बाद लगेंगे, जैसे हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा में होते थे ना, 23 7 6 0 9 8 7, इसको हम लेंगे तो यहाँ पे ऐसे कॉलम लगेंगे, पहले 3, फिर 2, फिर 2, उसके बाद 2 का जोड़ा चलता चलेगा।
लास्ट वाले तीन है, ये तीन। अब ये किसका है, इकाई है सैकड़ा, ये हजार, ये मिलियन। तो यहां से हम सीधा देखते हैं 23,760,987। और इसमें भी यदि हम तीन तीन और तीन का लेते हैं तो कोमे उसी पर अनुसार लगेंगे। पहले ये किसका है, इकाई दही सैकड़ा, ये हजार, ये मिलियन, 300 मिलियन, हजार है नहीं, और बाद में कितने हैं 15 है, उसी प्रकार इसको रख सकते हैं। और यदि हमें शब्दों को अंकों में लिखना है तो हमारे पास अब प्रश्नावली है, लगभग आपके सारे सवाल इसके हो चुके हैं। प्रश्नावली 1.1, इसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी, ये आपको आज करनी है। तो एक मैं इसमें लेता हूं कि 58,423,000, एक चीज दे रखी है, मैं इसको थोड़ा सा पलट देता हूं कि 15,809,307। यदि मैं इसको सीधा लेता हूं तो 15 मिलियन, अब जैसे हम इकाई दस सैकड़ा हजार लाख में दो दो के कॉलम लेते थे, अब यहां हम तीन तीन के बनाएंगे, 15 को भी उसी प्रकार लिखेंगे। तीन का मतलब तीन अंक हमारे पूरे होने चाहिए, 15 में हमारे पास दो अंक है तो तीसरा अंक आगे एक जीरो आएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 015, और आगे जीरो हो तो उसको बेशक ना लिखे, लेकिन मिलियन में 15 ही रहेंगे। एक अंक मिलियन की इकाई का, एक अंक मिलियन की दहाई का, एक अंक मिलियन के सैकड़े का जो आगे आ गया उसको मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद 809,000, देखो हजार वाला 100 ये है, 809, इसके तीन अंक मैंने यहां पे ले लिए, हजार में आ गया। उसके बाद 307, तो हमारे पास ये संख्या बन गई 15,809,307। आपको मेल लगा के दे सकते हैं, कोमेल काफी भी यहां पे कर सकते हैं। तो आपके पास ये प्रश्नावली है, अभी प्रश्नावली 1.1, ये आपके पास इसके इसका चित्र मैं आपके पास डाल रहा हूं, और ये आपको आज करके दिखाना है, अगली कड़ी में फिर देखेंगे।